हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। माय नेम इज़ विपिन गुप्ता एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने आगे क्वेश्चंस को। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक हमारा चल रहा था, दो लेक्चर हो चुके हैं, आज थर्ड लेक्चर है इसका। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल आज भी करते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लेक्चर मुझे और लेना पड़ेगा, तब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर होगा। ठीक है, मैं बेसिक एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, आप लोग घर में उनकी प्रैक्टिस करें प्लीज़ बेटे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आप क्वेश्चन को वहाँ पे सर्च कर सकते हो। आपके पास अगर बुक है तो उसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पिक करो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर आज की क्लास का फर्स्ट। हाँ, एक बात और, आपको आज का असाइनमेंट भी मिल जाएगा और ये असाइनमेंट रहा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसमें क्वेश्चन जो पहला ही लिखा है, दैट मीन्स 12 का सी पार्ट। ठीक है, तो 12 के सी पार्ट को हम लोग करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट को रीड करके डायग्राम में सेट बनाऊंगा, सॉल्यूशन यहाँ दूंगा। बहुत ध्यान से सुनो, डायग्राम तो बना हुआ है लेकिन फिर भी डायग्राम को समझाना बहुत ज़रूरी है। इन द फिगर पी क्यू इज अ टावर, एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें पी क्यू को टावर बोला गया। और ये डायग्राम आपके पास है, पी क्यू इज द टावर। ठीक है, ये और टावर में यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री मेंशन है, ये वाला पॉइंट ए मेंशन है और ये बी मेंशन है। दिस इज 40 मीटर ए क्यू एंड क्यू बी इज 90 मीटर, इतना लिखा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। इन द फिगर पी क्यू इज अ टावर, ए एंड बी आर टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द टावर सच दैट ए बी सबस्टैंड एट a right angle at point P if the distances of A and B from the base Q of the tower are 40 meter and 90 meter respectively. Find the height of the tower. Let height of the tower is H. This is also 90. Mind it. Perpendicular draw kiya hai. This is also 90. इस एंगल को मैं अगर A कह दूं, क्योंकि A पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ का है वर्टेक्स का, तो इसको एंगल A कह देते हैं और इस एंगल को बी कह देते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका टारगेट है हाइट फाइंड करने का, लेट हाइट आपको एच फाइंड करनी है और ये 12 का सी पार्ट है। उसमें सी पार्ट लिखा है असाइनमेंट में, तो सी पार्ट हम लोग सॉल्व करें। अच्छा, आपके पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ये कैसे पता चला? अगर एक 90 यहाँ पर एंगल मिला है पी, ट्राइंगल है ए बी पी, एक 90 निकल गया, तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, एक 90 चला जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 होगी। और आपसे बोला जाए यहाँ से कि बी कितना होगा, तो 90 माइनस ए आप उसको लिख सकते हैं। इतना आपने होल्ड लिया। अब मैं पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल एक स्मॉल ट्राइंगल पहले लिखा है ए क्यू पी, ए क्यू पी, ये आपने ट्राइंगल लिया। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ टैन ए, टैन ए आपने लिया एंगल, इसमें होता है हाइट ओवर बेस, बेस मीन्स 40 मीटर। ये आप ऐसे ही होल्ड करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल आपने ए से स्टार्ट किया, आप करो बी क्यू पी, बी क्यू पी। इस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम लोग टैन बी, और टैन बी की पोजीशन पे 90 माइनस ए इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस, दिस इज 90 मीटर। टैन 90 माइनस ए, दैट मीन्स कॉट ए, एच ओवर 90, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसा मेरे माइंड में क्यों आया, क्योंकि टेन ए की मल्टीप्लाई कॉट ए से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी आप देखो एक मिनट में कैसे पता चलेगा। टेन ए प्रोडक्ट कॉट ए इज इक्वल टू एच ओवर 40 मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर 90, ये लिखा हुआ। तो कॉट टेन का मल्टीपल 1 होता है, देखो कैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि कॉट को 1 ओवर 10 हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज एच स्क्वायर 936600, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 3600 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, दैट मीन्स एच इक्वल टू स्क्वायर रूट लिखोगे तो इसका आ जाएगा 60 मीटर। 36 का हो जाएगा 6 और यहाँ पर 00 का 100 मतलब, तो उसका हो जाता है 10, तो हो जाएगा 80। तो ये आपका न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, वेरी गुड। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट और है थोड़ी प्रैक्टिस के लिए।
टाइप यही है, थोड़ा सा चेंज है, लिटिल बिट डायग्राम ऐसा सही बना दूंगा, ठीक है। डायग्राम किस क्वेश्चन में भी गिवन है आप लोगों को, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम की। इन द गिवन फिगर क्यू पी आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड पी एम इज द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, इसमें बता दिया, उस बारे में बताया नहीं था तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हम लोग डायग्राम बना देते हैं, मैंने डायग्राम बना दिया, ओके फाइन। एंड दिस इज पी क्यू आर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको एल्टीट्यूड बोला उन्होंने, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर एम बोला है उन्होंने, और ये 90 डिग्री यहाँ पर बना है, और एक टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मीटर है, और ये 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम भी सेंटीमीटर में बना देंगे 3.5 सेंटीमीटर। टारगेट क्या है, सब क्वेश्चन तो बिल्कुल वही है, आपने पढ़ी लिया हो। कैलकुलेट द साइड पी आर, पी आर आपको साइड चाहिए, इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है, ये आपको साइड इस पर चाहिए। तो इस क्वेश्चन का पैटर्न वही है, अगर मुझे ये फाइंड करना है तो सबसे पहले मुझे ये पता चला है, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लूँगा, लेट पी एम इज एच, तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, ये आपका पार्ट कौन सा था, ये 12 का डी पार्ट है, 12 का डी पार्ट आप लिखेंगे लेट पी एम इज इक्वल टू एच सेंटीमीटर, ये आपने एच सेंटीमीटर लिखा, टारगेट वही है, ये एंगल क्या होगा क्यू, और ये एंगल क्या होगा आर, एक स्टेटमेंट क्या है क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 90, और दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 90 माइनस क्यू, ये मुझे यूज करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल क्यू एम पी, तो इससे मैं हम लोग लिखेंगे टैन क्यू इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस 3.5, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल आर एम पी, आर एम पी अगला एंगल टैन 90, टैन आर भी लिख सकते हैं, आर की पोजीशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 90 माइनस क्यू इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस, वहाँ पर बेस कितना आएगा, अगर ये 3.5 है, ये 8 है, तो ये 4.5 मिलेगा, तो 4.5, दिस इज कॉट क्यू हाइट 4.10। मैं दोनों का प्रोडक्ट कर देता हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड का प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड, दिस इज 10 10 क्यू मल्टीप्लाइड बाई कॉट क्यू इज इक्वल टू एच ओवर 3.5 मल्टीप्लाइड बाई एच ओवर 4.5, दिस इज 1, अभी हम सॉल्व कर चुके हैं, 1 इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाई करिए 5 25 2 हो गया, 5 3 15 5 3 15 15 2 17, ठीक है, और ये 35 70 140, ये आ जाएगा 15.75 आपको इसकी वैल्यू मिलेगी, और मैं इसको यहाँ से रब करूँगा। अब आपके पास एच स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 15.75, मैं सॉल्व नहीं करूँगा इसको, अब हम लोग लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल आर एम पी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो आपने लिखना है पी आर उसका स्क्वायर, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हाइट स्क्वायर प्लस 4.5 स्क्वायर, हाइट स्क्वायर की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है 15.75, ठीक है, और यहाँ पर इसका अगर 45 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 से एक बड़ी संख्या 5 होती है, तो 4 5 20 25 20 हो गया, ये शॉर्टकट मेथड है, बता दूंगा बाद में, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 00 आ जाएगा, और ये 20 36 हो जाएगा टोटल, और ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सबको सेंटीमीटर में मिलेगा, ये पॉइंट के बाद 00 का कोई मीनिंग नहीं है, तो आपके पास सेंटीमीटर में आंसर है तो 6 सेंटीमीटर फाइनल आंसर है, कॉपी कर लो। अच्छा मैं बता देता हूँ ये मैंने शॉर्टकट पे कैसे लिख दिया, अगर आपसे कोई बोले
कि 95 का स्क्वायर बताओ विद इन अ 3 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 9 से एक हायर डिजिट क्या होती 10, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। आपसे कोई बोले 75 का स्क्वायर बताओ तो 5 का कितना होता है 25, 7 8 56 56 हो गया, ये आपका आंसर आ गया। आपसे कोई बोले 45 का स्क्वायर बताओ क्या लिखोगे, 25 पहले लिखो लास्ट में लिख दो, 5 से एक बड़ी संख्या क्या होती है 5, 4 से एक बड़ी संख्या 5 होती है, 4 5 20 हो गया, तो उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। बस एक छोटा सा मैथड है, सॉफ्टवेयर मैथड, वैदिक मैथमेटिक्स में जनरली इसको पढ़ते हैं। आप देख लो बस ये हो गया, ये आपका नंबर का सॉल्व हो गया। ओके अब हम लोग आगे न्यूमेरिकल करते हैं। अब न्यूमेरिकल में क्या है भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13, पार्ट नंबर ए। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द टावर इज, अनफिनिश्ड टावर है, यहाँ से 50 मीटर की डिस्टेंस पर पर्टिकुलर एंगल जो बनाया जा रहा है वो वैल्यू गिवन है। ये डायग्राम आपके पास बन के आ चुका है और इसकी वैल्यू गिवन है 44 degrees 40 minutes। मैं टेबल से इसकी वैल्यू निकालूंगा, आपको टेबल देखना भी बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या बोला, टू व्हाट फर्दर हाइट द अनफिनिश्ड टावर शुड बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द सेम प्लेस वुड बिकम, अब कितना हो जाए इसके लिए बोला जा रहा है। अब की बार उन्होंने बोला ये जो एंगल है वो हो जाए 59 degrees 30 minutes, तो कितनी हाइट रेज की जाए, ये आपका बेसिकली टारगेट हो गया, ठीक है। इसके बारे में मुझे पता नहीं, इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया और ये 50 मीटर आपको पता ही है। आप इनके नेमिंग कर दो, दिस इज पॉइंट ए बी, पहले सी तक था, बी पर पहुंच गए, ये आपके पास टारगेट है। ओके ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ये वैल्यूज लग रही है, सर वैल्यूज कैसे देखेंगे, बस ये सारा कॉन्सेप्ट है आपको। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी हम लेंगे इसमें टैन 44 degrees 40 minutes इज इक्वल टू हाइट ओवर बेस। अब इसकी वैल्यू मैं सर्च करूंगा टेबल से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इस ट्राइंगल की बात करें तो पूरा एंगल आएगा 59 degrees 30 minutes। हाइट क्या आएगी, टोटल हाइट एच प्लस ए ओवर बेस 50। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 and 2 के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, टेन 59 degrees 30 minutes इज इक्वल टू एच ओवर 50 प्लस ए ओवर 50। ए ओवर 50 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ जाके एंटर कर दो और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी 10 के साथ। तो h ओवर 50 की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 10 59 degrees 30 minutes माइनस 10 44 degrees 40 minutes। बाकी तो अब ये दो वैल्यूज निकाल जाएं तो आप h 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास वो चाहता है कि टेबल ना देखो तो ये 45 बोल दे और इसको कह दे 60 degrees, तो बहुत इजी आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर यही वैल्यूज देखनी टेबल से, तो आप लोगों के पास टेबल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप गूगल पर टाइप करो तो टेबल भी मिल जाएगी, और नहीं तो टेबल होनी चाहिए क्योंकि आप 10th class के बच्चे हो तो आपके पास टेबल होगी, और टेबल जनरली लास्ट में दी होती है, ठीक है। इसमें लिखा है नेचुरल टेंजेंट, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ 10 59 degrees 30 minutes, तो 59 second पे इस पर आ जाओ। देखो 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो वहाँ 45 से बड़ी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी हैं, और 10 89 तक 57
तक आगे पहुंच रही है, लेकिन अगर 1045 से छोटी वैल्यू बात करें, लाइक 101 डिग्री, 1044 डिग्री, 1043 डिग्री, 1035 डिग्री, ये सब वैल्यू ये 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो 1059 डिग्री 30 मिनट, तो 59 पर पहुंच जाओ, ये टेबल होती है, ये बोल्ड में ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री, आप लोगों को देख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने चेक किया था, बहुत छोटा है ना टेबल में, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये डिग्रीज लिखा हुआ है। तो मैं 59 पर पहुँच जाता हूँ और ये मैं 59 पर पहुँच गया, ये 59 है, यहाँ पर 59 डिग्री लिखा है, 59। अब इसके बाद ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो पहले ब्लॉक में लिखा है 0 मिनट, फिर 6 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट, 30 मिनट, 36 मिनट, 42 मिनट, 48 मिनट, 54 मिनट। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, 30 मिनट के टारगेट है, तो 30 मिनट का कॉलम यहाँ से मिल गया मुझे और यहाँ से मुझे हॉरिजॉन्टल रो मिल गई, तो इन दोनों का जो मैच करेगा वो फाइनल आंसर होगा। तो 59 से आगे बढ़ रहे हैं और 30 पर ये देखो पहुँच गए, मेरी फिंगर यहाँ पर रुकी हुई है और ऊपर 30 मिनट है, तो इसका आंसर है 6977। तो मैं क्या लिखूँगा, 1.6977, ये 1.2 लगाया कि सारी वैल्यूज आपकी 1. समथिंग हैं, सबके आगे 1 लगा दो, ये सारी वैल्यू पॉइंट में लिखी होती हैं, उसमें हमेशा बुक में 6977 लिखा होता है, लेकिन आप आगे पॉइंट भी लगाएंगे, आगे 1 भी लगाएंगे, क्योंकि ये 45 से बड़ी है, क्योंकि इस टेबल के आगे जो वैल्यूज लिखी उससे मुझे पता चल जाता है आगे 1 है कि 2 है कि आगे 5 है, ठीक है। एक वैल्यूज ये हमने कवर कर ली है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 59 पर 30.6977 बिल्कुल आ चुका है। अब इस वैल्यू के लिए बहुत हमें मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझो, आप लोगों के पास अगर टेबल है तो कोशिश करो समझने की। 1044 डिग्री, तो 44 तो 45 से छोटा होता है, तो इस साइड होगा पहले वाले पेज पर, तो सबसे पहले हम लोग 44 डिग्री पर पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए, वेरी गुड। फिर लिखा है 40 मिनट, अब देखो 40 मिनट के लिए हम लोग कहाँ पहुँचते हैं, 44 आ गया, 44 में मिनट्स की जो टेबल है इस पर आओ, पहले 0 मिनट नई बात बनेगी, 6 मिनट, 12 मिनट, 18, 24, 30, 36, 42, अभी 42 के बहुत पास है, या फिर मैं क्या करूं, मैं 36 में कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, तो 36 मिनट, इसका मतलब है 44 डिग्री 36 मिनट, इसके लिए जो वैल्यू मुझे मिलेगी डायरेक्ट टेबल से मिलेगी, तो 44 मिनट 36 सॉरी 44 डिग्री 36 मिनट ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। यहाँ पर जो मैंने थंब रखा है यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये थोड़ा और पास लेके आता हूँ, 44 मिनट और जहाँ मेरा थंब रखा हुआ है ऊपर अगर मैं दिखाऊंगा तो ये 36 है, बहुत छोटा लिखा है हालांकि दिख नहीं रहा होगा, 36 मिनट और यहाँ पर 40 मिनट है, आप वेट करना भी, मैं इसकी वैल्यू पहले लिख देता हूँ और ये वैल्यू आएगी 9861, ये वैल्यू उसमें लिखी हुई है। लेकिन आप कहोगे सर ये तो 40 मिनट था और आपने तो 36 मिनट लिखा है, तो बगल में एक मीन डिफरेंस की टेबल है, मीन डिफरेंस की, तो आपके पास कितने की कमी है, 36 तक पहुंच गए, अगर 4 मिनट ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा ये, तो 4 मिनट को टेबल से पिक कर लो और यहाँ पर ये 1 to 5 मिनट ही गिवेन है, क्योंकि 6 का गैप है, तो 1 to 5 मिनट ही गिवेन है, और 5 मिनट के लिए कितना है, 5 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो नहीं 4 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 4 मिनट के लिए 23 लिखा हुआ है, तो 23 यहाँ लिखो, इनको ऐड कर दो, तो 314 और ये 8 और ये 8 और ये 9, तो अब आप आंसर क्या लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे -0.0 क्यों, क्योंकि 45 से छोटा है और आगे देख भी सकते हो 0 से स्टार्ट हो रही सारी चीज़ें, तो 0.9884 = H/50, ये आपके पास एक सिनेरियो बचा। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर दो तो 743 मिलेगा, है ना, 7 ये हो जाएगा 8, कितना होगा 17 में से 8 जाएगा 9, ठीक है, और फिर ये 8 8 से जीरो जाएगा ये 16, 16 में से 9 जाएगा तो देगा मुझे 7 मल्टीप्लाइड बाई 50 = 2। अब 50 को मल्टीप्लाई करो तो बाकी कैलकुलेशन में तो दम नहीं बचा, बस मेन था ये वैल्यूज कैसे निकाली जाए, वो मैंने बहुत कोशिश की समझाने की, जो बच्चे समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो इसको बेटे हम लोग फिजिकली समझ सकते हैं, नहीं समझ गए तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे बता देना, तो मैं बहुत कोशिश करूँगा, टेबल को एक बार मैं दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप हो सकता है समझ जाओ वहाँ से। चलो इसको कॉपी करो,
ओके मैं अब करता हूँ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 13 का ही है, बी पार्ट है क्वेश्चन, बिल्कुल इसी जैसे। फ्लैग स्टाफ 5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा हुआ है, एक मिनट, फ्लैग लगा दिया ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 5 मीटर, फ्लैग की लेंथ 5 मीटर, ये डायग्राम में आपको दिखा, स्टैंड ऑन अ वर्टिकल, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर फाउंड टू बी 60, टॉप एंड बॉटम, यहां पर इनके एंगल्स कितने कितने मेंशन हो रहे हैं, 60 and 30, दिस इज 60 ऑब्वियस है, दिस इज 30, क्योंकि टॉप है तो 60 और ये 30 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, लेट हाइट इज एच, लेट हाइट इज एच, ये आपको फाइंड करनी है, और पोल यहां से कितने डिस्टेंस पर था ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ओके okay? इसको हमने ए डिस्टेंस कंसीडर कर दिया, ए डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल हमने जल्दी से सॉल्व कर लिया है। अब मैं नेमिंग नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं जल्दी से शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूँ, ए बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, तो मैं लिख रहा हूँ 10 30, आप समझ गए होंगे कौन सा ट्राइंगल मैंने लिया होगा, ट्राइंगल होगा ए बी सी, 10 30, 10 30 में होता है हाइट ओवर बेस, दैट मीन्स दिस एंड 1/√3 कैपिटल हाइट, ये आ गया, स्मॉल ए की वैल्यू मिलेगी ये, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ 10 60, नाउ 10 60, 10 60 मीन्स हाइट, हाइट टोटल आ जाएगी, हाइट ओवर बेस 10 60 इज √3 एंड आप चाहो तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो 5 + h और ए की वैल्यू आप एंटर करोगे तो ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल एच और √3, दिस इज 3h, 5 + h, दिस इज 2h, 5, h इज 2.5 मीटर, न्यूमेरिकल सॉल्व, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, घर में रहो, जमकर पढ़ाई करो, ओके क्लास।